वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। आज हम एक नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं आपके लिए। इस तरह का ये देखिए कंपोनेंट है, किस तरह से हम ड्रॉ करने वाले हैं। ये एक सिंगल लाइन में ही हमने क्रिएट किया है, तो इसमें किस तरह से हमने लाइन यहाँ पे क्रिएट की है, इसका स्केच कैसे क्रिएट किया है वो आज जानेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैंने न्यू पार्ट क्रिएट कर लिया है, और सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए स्केच में जाना है। स्केच में जाने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे 3D स्केच है, 3D स्केच यहाँ पे क्रिएट करेंगे और एक लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए, ये फर्स्ट लाइन हमने क्रिएट की, फिर ये सेकंड, सेकंड में हमें डायरेक्शन चेंज करना है। ये देखिए डायरेक्शन, इसका चेंज करने के लिए आपको टैब की प्रेस करनी है। टैब की प्रेस करने के बाद ये देखिए यहाँ पे अब सेकंड थर्ड लाइन इस तरह से ऐसे क्रिएट करनी है। फिर से टैब की हम यूज करेंगे। हर बार हमें डायरेक्शन चेंज करने के लिए टैब की का यूज करना पड़ेगा। और इस तरह से इसे मिला देना है। अब आपको क्या करना है, इन सभी लाइनों को इक्वल करना है। तो इस लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल की होल्ड करके रखना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है और मेक रिलेशन इक्वल। फिर से इस लाइन को और इस लाइन को इक्वल, फिर इस लाइन को मेक रिलेशन इक्वल इक्वल। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को और इस लाइन को इक्वल, फिर से इस लाइन को इक्वल। इन सभी लाइन को एक ही साइड में हमें रखना है। देखिए ये हमारा पूरा स्केच क्रिएट हो गया है। अब हम इसमें किसी भी एक लाइन लाइन का डायमेंशन अप्लाई करेंगे। तो सिलेक्ट डायमेंशन और इसकी हाइट रखेंगे 65। सिंपली इस स्केच को एग्जिट कर देना है। अब फीचर में जाना है और यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट करेंगे। प्लेन सिलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। सेकंड रेफरेंस ये पॉइंट होगा और फर्स्ट ये लाइन है, और इसे ओके करना है। फिर एडिट स्केच करने के बाद यहाँ पे देखिए एक सेंटर रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करना है हमें। इसका डायमेंशन 40 mm एंड हाइट 10 mm और ओके करना है। फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है और कोइंसिडेंट ओके। प्लेन को
हाइड कर देना है। अब हमें क्या करना है, फीचर में जाके स्विफ्ट बॉस बेस अप्लाई करना है, और यहाँ पे प्रोफाइल हमारी रहेगी ये, और इसका पाथ और ओके करना है। तो देखिए इस तरह से एक सिंगल स्केच में ही हमने ये कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। इसका कलर अप्लाई कर देते हैं, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट और अच्छी कोई डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।